हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? हमें भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम लोग सबको भी 25वां रोज़ा मुबारक हो। नेक्स्ट रमज़ान का लास्ट जुम्मा है। तुम लोग सबको भी रमज़ान का लास्ट जुम्मा मुबारक हो। आज जुम्मा, मेरा फजर का नमाज अभी जी कम्प्लीट हो गया। आज बहुत देरी उठे आज हमारे सहरी को, करेक्ट 4 बजे होशियार आया। बात है, टाइम है तो असल नहीं रहा। जल्दी जल्दी फ्रेश अप होकर हमें सहार कर डाले, अच्छे से हो गया हमारे सहार। आज आज जुम्मा, आज रमज़ान का पूरा लास्ट जुम्मा। बात आज कैसा कि भी कब आता है रमज़ान का महीना, होले का आ जाता है। अभी कैसा दिखे तो अभी क्या एक 5 डेज 1 वीक है सका है उत्ता जी, फिर भी हमें सुबह को मिलेंगे फ्रेंड्स। रहा तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज सबको जुम्मा मुबारक। आज आज हम लोग आज ये जुम्मा बात आज मैं ट्यूशन जा रहे बातें। चलो मैंने आपको शूट कर दूंगा तो कन्फ्यूज हो जाते हो ना, क्या बोलना कि कन्फ्यूज हो जाते रहते। जैनो गैस बता, अच्छा छोटा क्लीनिंग है तो मैं कर दल लूँ। मुझे ज़रा सर्दी भी सिर में दर्द भी ऐसा है, इसलिए मैं बात कर सकती नहीं रही हूँ। हाँ फ्रेंड्स, क्या समझो ना आपको फ्रेंड्स, वैसा जोहर का टाइम हो गया, वहाँ से नमाज भी पढ़ दल लिए हम लोग। सबको भी तुम लोग जुम्मा मुबारक हो। आप सबको ये रमजान के आखिरी जुम्मा बात है, अलविदा जुम्मा। बहुत सैड का बात है, जुम्मा लास्ट हो गया। अब ये रमजान में अभी लास्ट जुम्मा बात है। तुम लोग सबको भी 25वां रोजा भी मुबारक हो। क्या जैनो? हाँ, 25वां रोजा मुबारक हो। हमें शॉपिंग करना, छोटा शॉप जैन आपको एक ड्रेस लिंग बोलो ना, वो ड्रेस भी तुम लोग का अब दिखा दू मैं लिए। सो ड्रेस से बात में ड्रेसा ड्रेस आने अदे ड्रेस बात है, कुर्ता पायजामा टाइप। ये प्लाजो बात है, अदे प्लाजो। ये प्लाजो नेक्स्ट इसके ऊपर का ये कुर्ता, ऊपर का कुर्ता ये कैसा है कि ड्रेस है जैनब का, तुम लोग कमेंट करके बोलो। ये जैनब का ईद का ड्रेस बात है। ये ऐसा प्लाजो सेट बात है, ऐसा लिए सो दिखो, ऐसा लिए सो। हमें जैनब को बोलो ना, मैं उतना खास होने क्या रहते नहीं है हम ना मिले सो वहाँ को। मैं ये कि जरा अच्छा बेटर होना अच्छा दिसे तो मैं ये ले लें कहीं बात है। नीचे का प्लाजो भी ऊपर का ऐसा, ये स्लीव्स वो भी ऐसा फुल होने ऐसा आए, अच्छा भी डिजाइन भी फुल है, प्रिंटेड बात है, पूरा भी प्रिंटेड है। कैसा है का तो सर की बोलो, जैनब का ड्रेस ये। फ्रेंड्स, मेरा अभी जी असर का नमाज कंप्लीट हो गया। मैं किचन में आई हूँ इफ्तार का स्नैक्स वो बनाने को। आज मैं एग सेमिया का बनाती हूँ मैं रेसिपी, उसे होना है। सो चीज़ें देखो यहाँ रखो, मैं सुबह भी रेडी होने। एक ग्लास से सेमिया ली हूँ बातें, एक ग्लास को हमें 2 ग्लास पानी डालते ना, वैसे नहीं डाले सका 1.5 ग्लास डाल लेना बोलती मैं। उसके बाद 2 अंडे, 2 कच्ची मिर्चा बारीक है, कैरेट बारीक है। नेक्स्ट ऑप्शनल बात है, पसंद है इस वाले दाल लो, नए को तो स्किप करो। ये क्या है कि बीटरूट है। नेक्स्ट एक छोटा मीडियम साइज़ का, छोटा साइज होने कट कर लो उनसे प्याज है। नेक्स्ट है करी लीफ है, कोतिमीर नहीं है तो मेरे कने करी लीफ है तो करीपाक दालू मैं छोटा सोहन भी ये भी कट कर लूँ मैं। चलो अभी स्टार्ट करेंगे एग सेमिया। बहुत अच्छा रहता है ये रेसिपी, कैसा कहते सो के मैं दिखा दूँ। चलो स्टार्ट करेंगे, फिर टाइम भी हो जाता रहता ना हम ना इफ्तार का। चलो शुरू करेंगे। वो पूरे भी 1 ग्लास है सेमिया बात है, उसमें 1.5 डालते हैं। अभी ज़रा कम थी, हमें 80%
सेमिया को पकिन देना, बाकी का 20% छोड़ डालना बातें। जब ये खुले खुले होने रहता नहीं तो पूरा पक गया समझो, सेमिया स्टिकी होने भी लग जाते रहते, हमने वैसे नहीं लगना, इसलिए जस्ट 80% पका लेना। चलो ये ऑलरेडी भुंदले सो सेमिया चाहिए, घी में भुंदलू में उसको ऊपर दे नमक डाल तो है, कहीं तो पकते हैं इस टाइम पहुँचना नमक अच्छा लगता सो क्या चीज़ को भी, इसलिए मैं पहले नमक डालू। अबे जस्ट 80% उबाल ले तो ये एक बार चेक करेंगे कैसा पके का तो सोकी सेमिया का तो सो जल्दी पक जाते ना, ऐसा पके ना बंदा लेंगे। अब हमें 80% पक गया, अब ये स्टेज में रहने को हमें निकाल डाल लेना। ऐसा सब भी स्ट्रेन सा करके हमें काट लेना है पूरे भी। इसके अंदर नॉर्मल वाटर डाल लेना, एक का एक नहीं लगे सका, नहीं तो एक का एक लग जाते ना स्टिकी हो जाते गर्म कुपर है। ऐसा पानी डाल लेना, ऐसा तेल डाल ले को उसके अंदर कच्ची मिर्चा। अभी सेमिया रिमाइनिंग 20% पकने का है ना, इसलिए हम अब भाप लगा को रिमाइनिंग वो भी पकेंगे, पकने को छोड़ देंगे। ऐसा रिमाइनिंग 20% भी पक गया, देखो कितना अच्छा पके कि देखो खुला खुला भी है नहीं, देखो ऐसा खुला खुला रहना बात है, देखो कितना अच्छा है कि ना माशाल्लाह। ऐसा पक को रेडी हो गया मेरा, इफ्तार का भी टाइम होता है फ्रेंड्स। ऐसा सिंपल होने तुम लोग भी घर का ने घर में ऐसा इफ्तार को बना लो, बहुत अच्छा है। आया सो एग सेमिया रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई करो तुम लोग भी। कैसा है का तो सो कि मुझे कमेंट करके भी बोलो। ओके फ्रेंड्स,
रेसिपी तुम लोग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना भूलो ना को फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।